लोग के सहयोग से चल रही है हमारे इसमें आदरणीय सम्मानी हमारे श्री कटारी जी महाराज जी के सानिध्य में एवं आप सब लोगों के सहयोग से कथा प्रारंभ हो रही है, हो चुकी है। सभी लोग इस कथा में साथ दे रहे हैं, आपका स्वागत है, आभार है। भगवान की कथा कैसी है, कल आप लोगों ने श्रवण किया,
जीवन हमारा कथामय होना चाहिए। कथा मात्र के जीवन लीला अमृत रसो मत्ता, कथा मात्र के जीवन अता कथा मात्र के जीवन। हमारा जीवन भगवान की कथा में व्यतीत हो, भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए हमारे जीवन की यात्रा संपन्न हो। नहीं तो जीने वाले बहुत से हैं, करवा किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या वह नाई की दुकान पर धोखनी क्या सांस नहीं लेती? वो भी सांस लेती है, वृक्ष भी जीते हैं, लेकिन इनका जीवन अलग प्रकार का है। हमारा जीवन अलग प्रकार का है। हमारा जीवन वृक्षों की तरह ना हो, हमारा जीवन पशुओं की तरह व्यतीत ना हो, हमारा जीवन जड़ पुरुषों की भांति व्यतीत ना हो। इसलिए कथा मात्र के जीवन, जिनका जीवन का भगवान के चरणों के अनुराग से जुड़ गया है, जिनका जीवन भगवान की कथा में तन्मय हो गया है, भगवान के नाम में तन्मय हो गया है, जो भगवान की लीलाओं के अमृत का पान ही करता रहता है। भगवान की लीलाएं अमृत हैं, कथा मात्र के जीवन लीला अमृत रसोत्ता। भगवान की कथाओं में ही जो उन्मत्त रहते हैं, मतवाले रहते हैं, भगवान की नाम की मस्ती में जो उन्मत्त रहते मतवाले रहते हैं, वास्तव में उनका ही जीवन है। जबकि उनके लिए लोग कहते पागल है। हमारे वृंदावन में एक पागल हुए, रस का पागल, पागल नहीं थे, भगवान की भक्ति में पागल, भगवान के कीर्तन में पागल। पागल बनो बावरे बनो तो भगवान के बावरे बनो, भगवान के नाम की भगवान की भक्ति के पागल बनो। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा कराते हैं, वह तो धन्य है ही। उनके जो पूर्वज हैं, जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, उतने दिनों तक उनके पूर्वज उनके घर में कथा सुनने के लिए आते हैं। महाराज धर्मराज अर्यमा नाम के जो पितर हैं, महाराज धर्मराज नाम के जो हमारे पितरों के स्वामी हैं, उन पितरों के लिए हमारे आपके पूर्वजों के लिए छुट्टी दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम की भागवत करा रहे हैं, इसलिए जाओ, वहां पर तुम्हारा स्वागत है। उनके खूब दूध दही छानो और किसी की ना मानो, खूब प्रेम से रहो वहां पर। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पे मदोदकम्। उतने दिनों तक उनके पितर उनके घर में बैठकर, घर में रहकर उतने दिनों तक दूध दही शहद आदि का भोग लगाते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। यावत् दिनानि हे पुत्र, व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को कहते हैं और सुखदेव अपने शिष्यों को पुत्र रूप से संबोधित करते हैं। धन्य है वह गृह, धन्य वह दंपत्ति, धन्य वह यजमान जो भगवान की कथा के मुख्य यजमान बने हुए हैं। मंडी बामोरा जो भगवान की कथा के यजमान बनने जा रहे हैं, धन्य वह उनके पितृ देवता भी उन पर प्रसन्न होते हैं जो भगवान की कथा कराने के लिए, पूजन कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। धन्य है वह, आप लोगों ने श्रवण कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठ कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा सभी महापुराणों में श्रेष्ठ कथा है, सबसे उत्तम है। इसके लिए श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है, नमन किया गया है मंगल चरण में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे गया सुरान तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारी मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्त कोहकम् सत्यं परधीमहि। उन परमात्मा का स्तवन किया गया है, उन भगवान को नमस्कार किया गया है। क्या उन भगवान को नमस्कार किया जो भगवान सबके अंदर बैठे हैं। जन्माद्यस्य
ये वेदांत का द्वितीय सूत्र है। पहला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और वेदांत का द्वितीय सूत्र है ब्रह्म मीमांसा का जन्माद्य। यतः जिनके कारण इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिनके कारण इस संसार का पालन होता है, जिनके कारण से ही इस संसार का, इस विश्व का समय आने पर लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है, इशारे पर कर देते हैं। कैसे? वह जिन्होंने संकल्प मात्र से ही अपने पुत्र ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया, पढ़ाया नहीं। एक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा से ब्रह्मा जी को नहीं पढ़ाया, केवल संकल्प लिया और ब्रह्मा जी के लिए वेदों का ज्ञान करा दिया। उन परमात्मा के लिए किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन परमात्मा को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती प्यारे, कि सूर्य भगवान के प्रकाश से वह प्रकाशित हैं ताकि वह संसार को देख सके। ना, जिन्होंने सूर्य भगवान को तेज दिया है, सूर्य भगवान में जिन्होंने तेज शक्ति डाल दी है, जिन्होंने संसार बना दिया बहुत सुंदर, फिर भी वह संसार से परे है, फिर भी वह संसार से परे है। संसार के क्रियाकलाप उनमें नहीं है। दिखते हैं कि संसार में रहते हैं, इस प्रकार से जल में नौका चलती है, परंतु नौका में जल नहीं रहता। उसी प्रकार से वह हमारे हृदय में रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, संसार में वही प्रकट हो रहे हैं, लेकिन संसार उनके हृदय में नहीं है। अगर उनके हृदय में, तो भगवान को, भगवान के हृदय में भक्तों का प्रेम उमड़ रहा है, वात्सल्यता उमड़ रही है, इस कारण भगवान का आगमन हुआ। ऐसी परमात्मा के लिए जिन्होंने संसार को बना दिया, जबकि ये संसार बहुत सुंदर है, परंतु है असत्य, झूठा है, देखने में लगता है, लेकिन उनकी माया ऐसी है कि ये असत्य संसार भी हमारे लिए सत्यवत प्रतीत होता है, कि ये सत्य संसार ही सत्य है। जिस प्रकार से तेजो बारी मृदा यथा विनमयो, राजस्थान की भूमि में जिस समय हम आप लोग जाते हैं, तो गर्मियों के महीने में बहुत दूर पड़ी हुई रेता, रेत बालू ऐसे जान पड़ती है कि यहां पर पानी भरा पड़ा है, पानी, परंतु पानी नहीं है, वहां पर रेत है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी साधन में, मोटरसाइकिल या जीप में यात्रा कर रहे हो गर्मियों में, तो रोड पर आपको कभी कभी लगता है कि रोड पर पानी पड़ा है, रोड पर पानी है, पानी गिरा है, लेकिन पास में जाकर देखते हो कि पानी है, वहां पर पानी नहीं है। तो क्या था? वह सूर्य भगवान की रश्मियां है, सूर्य भगवान की किरणों का प्रकाश है, दिख रहा है कि पानी है परंतु पानी नहीं है, ये माया है भगवान की। इसी प्रकार से वहां पर पानी नहीं होता, लेकिन पानी का भ्रम हो जाता है हमारे लिए। उसी प्रकार से संसार, हमें सत्य जान पड़ता है कि संसार जो है वह सत्य है, परंतु ये हमारा भ्रम है, ये संसार भी नाशवान है, इस संसार का भी आना जाना लगा रहता है, स्थिर नहीं रहता। ब्रह्मा जी दोबारा से सृष्टि करते हैं। ऐसे परमात्मा इस संसार में रहते केवल भगवान अपने भक्तों के लिए, वह परमात्मा के लिए नमस्कार किया जो सत्य है। संसार असत्य है जबकि भगवान ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि धीमहि ध्यायेम, बहुवचन शब्द है कि हम सब लोग को, एक व्यक्ति उनके लिए नमस्कार नहीं कर रहा है, धीमहि हम सब लोग उनके लिए नमस्कार करें। कौन के लिए? सत्यम, जो सत्य है सत्य को ही नमस्कार करें, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। श्री वेदव्यास भगवान ने ये नहीं कहा कि रामम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि, कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं या भगवान शंकर को नमस्कार कर रहे हैं या देवी मैया को नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं, ना राम जी का नाम लिया, ना शंकर भगवान का नाम लिया, ना भगवान विष्णु का नाम लिया, नाम किसी का नहीं लिया। क्यों? अगर वे कहते कि रामम परम धीमहि,
या कृष्णम परम धीमहि, किसी देव का वह नाम लेते तो लोग कहते भैया सैव्य की उपासना करने वाले सन्यासी महात्मा श्री राधे, श्री राधे राधे गो।